हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार बोर्ड के द्वारा मैट्रिक और इंटर के छात्रों के लिए इंटरनेट पर मॉडल पेपर जारी किया गया है और इसी मॉडल पेपर के आधार पर परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप जितने भी मॉडल पेपर जारी किए गए हैं उन सारे मॉडल पेपर को अच्छा से देख लीजिए, याद कर जाइए और अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि वो लोग भी पढ़ सकें, क्योंकि इस मॉडल पेपर से 10 से 15% तक के परीक्षा में निश्चित क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, आज देख लेते हैं क्लास 12th बायोलॉजी के मॉडल पेपर के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहां आप ध्यान से देखेंगे क्लास 12th में 70 ऑब्जेक्टिव होंगे, 70 ऑब्जेक्टिव होंगे, जिसमें से 35 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आपको उत्तर देना होगा। ठीक है, यानी क्वेश्चन दुगुना कर दिया गया है और आधा क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। ठीक है, इसके साथ ही 20 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जिसमें 10 क्वेश्चन का आपको जवाब देना होगा और 6 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे जिसमें 3 क्वेश्चन का आपको जवाब देना होगा, यानी प्रत्येक क्वेश्चन को दुगुना कर दिया गया। ठीक है, चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है गुणसूत्र के यूक्रोमाइटिन की क्या विशेषता है, गुणसूत्र के यूक्रोमाइटिन की क्या विशेषता है। ऑप्शन है अनुवांशिकता सक्रिय होता है, दूसरा उदासीन होता है, तीसरा अनुवांशिकता निष्क्रिय होता है और चौथा है दोनों बी तथा सी। तो आपका आंसर होगा गुणसूत्र का जो यूक्रोमाइटिन होता है वह अनुवांशिकता सक्रिय होता है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है। ऑप्शन है राइनो, शेर, बाघ या काला बक। तो याद रहे जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है वह टाइगर बाघ के लिए विख्यात है। नो सर, बाघ के लिए विख्यात है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, टाइगर के लिए विख्यात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हैबिट भिंगर निम्नलिखित में से किस घटना के कारण होता है, यानी आपको बताना है कि हाइब्रिड भिंगर इज ड्यू टू विच इवेंट इन द फ्लोइंग, यानी हाइब्रिड भिंगर जो है किस घटना के कारण होता है। ऑप्शन दिया है विनिमय, दूसरा ऑप्शन है काई एंजमा, तीसरा है सम युग्मजता, चौथा है विषम युग्मजता, यानी ऑप्शन दिया गया क्रॉसिंग ओवर, चैस्मा, होमोजाइगोस्टी और हेट्रोजाइगोस्टी। तो याद रहे जो हाइब्रिड भिंगर होता है हेट्रोजाइगोस्टी के कारण होता है, हेट्रो जाइगोस्टी, नंबर डी सही है, हेट्रोजाइगोस्टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मनुष्य का अवशेषी अंग निम्न से कौन सा है, मनुष्य का अवशेषी अंग कौन सा है। ऑप्शन है अंगूठा, पिन्ना, कॉकिक्स या पेल्विक। तो याद रहे अवशेषी अंग का मतलब क्या है कि वैसा अंग जो पहले शरीर में सक्रिय थे लेकिन आज उसका कोई काम नहीं है, वह अवशेष के रूप में रह गया है, अवशेषी अंग कहलाता है। ठीक है, तो यहां अवशेषी अंग है कॉकिक्स जो है यह अवशेषी अंग है, मनुष्य का अवशेषी अंग कॉकिक्स है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही है इसमें, लेकिन अंगूठा, पिन्ना और पेल्विक ये सब अवशेषी अंग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है चार का। पांच, हिमोकोरियल अपड़ा निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है, हिमोकोरियल अपड़ा किसमें पाया जाता है। ऑप्शन है सशक्त, मनुष्य, घोड़ा या इनमें से सभी, हिमोकोरियल अपड़ा। तो आपको पता होगा कि हिमोकोरियल अपड़ा जो है यह सिर्फ मनुष्य में पाया जाता है, यह मनुष्य में पाया जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सा परागकर्ता पुष्प की गंध से आकर्षित नहीं होता है, यानी जो जीव परागण में भाग लेते हैं उसको परागकर्ता कहा जाता है। तो कहता है कौन सा परागकर्ता पुष्प की गंध से आकर्षित नहीं होता है। ऑप्शन है शलभ, तितली, पक्षी या चमगादड़। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो शलभ है वह पुष्प के गंध से आकर्षित नहीं होता है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। सत्वा, मनुष्य में मंत्रात्मक लक्षण का एक उदाहरण कौन सा है, मनुष्य में मंत्रात्मक लक्षण का एक उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन ए आंखों का रंग, दूसरा त्वचा का रंग, तीसरा बाल का रंग और चौथा नाक का आकार। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्वचा का रंग, त्वचा का रंग मात्रात्मक लक्षण का एक उदाहरण नहीं है। ठीक है, त्वचा का रंग, यानी कहते हैं मनुष्य में
मथुरात्मक लक्षण का एक उदाहरण है तो त्वचा का रंग है, ठीक है ठीक है ओके। अगला है अठवा, वह कारक या एजेंट जो कैंसर पैदा करता है उसे क्या कहते हैं, एंड जो कैंसर पैदा करता है उसको क्या बोलेंगे। ऑप्शन है कार्सिनोमा, दूसरा कार्सिनोजेन, तीसरा ऑन्कोजीन, चौथा मेटास्टेटिस। तो जो कारक मनुष्य में या किसी जीव में कैंसर पैदा करता है उसको कार्सिनोजेन कहा जाता है, कार्सिनोजेन कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, कार्सिनोजेन, ठीक। अगला, न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। तो न्यूक्लिक अम्ल जनरली 2 प्रकार का होता है, ठीक है, 2 प्रकार का होता है, जिसको आप जानते होंगे डीएनए बोलते हैं, न्यूक्लिक अम्ल है, और एक आरएनए। तो ये 2 ही प्रकार का होता है, एक डीएनए और एक आरएनए, ठीक है। अगला, एक पारितंत्र में पहला ट्रॉफिक स्तर होता है, पारितंत्र में पहला ट्रॉफिक स्तर क्या होता है। तो पारितंत्र का पहला जो ट्रॉफिक स्तर है, ऑप्शन दिया गया प्राथमिक उत्पादक, दूसरा द्वितीयक उत्पादक, तीसरा प्राथमिक उपभोक्ता और चौथा द्वितीयक उपभोक्ता। तो एक पारितंत्र में हमेशा जो पहला ट्रॉफिक लेयर होता है, ट्रॉफिक लेयर होता है, वो प्राथमिक उत्पादक होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, प्राथमिक उत्पादक होता है, ठीक है, एंड 10 का ये सही है। 11, कोशिकीय जीन का नाम बताएं जो सक्रिय होने पर कैंसर का कारण बन सकता है, कोशिकीय जीन का नाम बताएं जो सक्रिय होने पर कैंसर का कारण बन सकता है। ऑप्शन है ऑन्कोजेंस, प्रोटो ऑन्कोजेंस, दूसरा है ऑप्शन ई और बी दोनों सही है, और डी में दिया गया है साइलेंट जीन्स। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों जीन दोनों सही है, यानी ऑन्कोजेंस और प्रोटो ऑन्कोजेंस दोनों सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। अगला क्वेश्चन है, जीन गन किसकी मदद से जीन को कोशिकाओं में प्रवेश करा सकता है, जीन गन किसकी मदद से कोशिकाओं को जीन में प्रवेश करा सकता है। ऑप्शन है प्लाज्मिड, दूसरा कॉस्मिड, तीसरा फाज्मिड्स और चौथा है सूक्ष्म छर्रे। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूक्ष्म छर्रे की मदद से, सूक्ष्म छर्रे की मदद से, ठीक है, यानी इसको कहेंगे माइक्रोस्कोपिक प्लेट्स की मदद से, यानी डी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिकता रूपांतरित फ्लेवर सेवर क्या है, अनुवांशिकता रूपांतरित फ्लेवर सेवर क्या है। ऑप्शन है चावल, कपास, आलू या टमाटर। तो जो अनुवांशिकता रूपांतरित है वह टमाटर है, जिसका रूपांतरण इन ऑप्शनों में टमाटर अनुवांशिकता रूपांतरित फ्लेवर सेवर है, ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, संख्या का सीधा पिरामिड निम्नलिखित में से किसमें अनुपस्थित है, संख्या का सीधा पिरामिड किसमें अनुपस्थित है। ऑप्शन है 1, घास स्थल, झील या तालाब। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 में अनुपस्थित है, 1 में अनुपस्थित है, ठीक है। अगला, पारितंत्र में जिसका पुनर्वीनीकरण नहीं होता है, पारितंत्र में जिसका पुनर्नवीकरण नहीं होता है वह कौन है। ऑप्शन दिया ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जल या ऊर्जा, यानी किसका पुनर्नवीकरण नहीं होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वह ऊर्जा है जिसका पुनर्नवीकरण नहीं होता है, बाकी सबका नवीकरण होता है, ठीक है। अगला, शुक्राणु जिसका अस्खलन नहीं होता वे पुनः कहाँ अवशोषित होते हैं, शुक्राणु जिसका अस्खलन नहीं होता वे पुनः कहाँ अवशोषित होते हैं। ऑप्शन वृषणकोश में, वास इन्फ्लोरेंस में, शुक्रवाहक में या इजाकुलेटरी नली में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्रवाहक में जाकर अवशोषित हो जाता है, शुक्रवाहक में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। संयोजी ऊतक किस भ्रूणीय परत से बनते हैं, संयोजी ऊतक किस भ्रूणीय परत से बनते हैं। ऑप्शन है एक्टोडर्म्स, मीसोडर्म, एंडोमीसोडर्म्स या एंडोडर्म्स। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मीसोडर्म से बनते हैं, मीसोडर्म से बनते हैं, यानी संयोजी ऊतक जो है वे मीसोडर्म से बनते हैं, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। एक्स गुणसूत्र कैसा होता है, एक्स गुणसूत्र कैसा होता है। ऑप्शन दिया गया है एसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक या टीनोसेंट्रिक। तो जो एक्स गुणसूत्र होता है, एक्स गुणसूत्र वह मेटासेंट्रिक होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, मेटासेंट्रिक। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, मेटासेंट्रिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एलोसोम्स निम्नलिखित में से किसका नाम है, एलोसोम्स निम्नलिखित में से किसका
नाम है। तो यहां ऑप्शन दिया गया ऑलिंग गुणसूत्र, दूसरा लिंग गुणसूत्र, गुणसूत्र पर सूजन या काइनेट्रोकोर। तो एलोसोम्स जो है, वह लिंग गुणसूत्र का नाम है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, लिंग गुणसूत्र को एलोसोम्स कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एंडोगैमी निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है, एंडोगैमी किसमें पाया जाता है। ऑप्शन है प्लाज्मोडियम, दूसरा प्लेनेरिया, तीसरा फीता कृमि और चौथा हाइड्रा। तो एंडोगैमी, जो है वह फीता कृमि में पाया जाता है, जो ऑप्शन सी में दिया गया, फीता कृमि में एंडोगैमी पाया जाता है। ठीक है, ध्यान से आप देखते जाइए और जिस क्वेश्चन पर या आंसर पर डाउट होगा आप कमेंट में जरूर लिखेंगे और हमें बताएंगे। ठीक है, मैं उसको रिप्लाई करूंगा। अगला क्वेश्चन है मध चक्र निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है, मध चक्र किसमें पाया जाता है। ऑप्शन मनुष्य, बंदर, गाय या इनमें से सभी। तो जो मध चक्र होता है हमेशा जानवरों में पाया जाता है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यानी गाय में मध चक्र होता है। ठीक है, लेकिन मनुष्य, बंदर इसमें क्या होता है, मासिक चक्र होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। 22वां क्वेश्चन है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहां है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहां है। ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है वह राजस्थान में है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, राजस्थान में है। अगला, इनमें से स्थानिक पौधा कौन सा है, स्थानिक पौधा कौन सा है। ऑप्शन है रिक्सिया डिसकलर, दूसरा पारमार्केंसिया पॉलीमॉर्फा, तीसरा है साइनोडॉन डेक्टाइल लोन और चौथा है निपेंथिस खासियाना। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निपेंथिस खासियाना है। यह क्या है, स्थानिक पौधा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन है जीन क्लोनिंग में संवाहक के रूप में प्रयुक्त बाह गुणसूत्र डीएनए क्या है, जीन क्लोनिंग में संवाहक के रूप में प्रयुक्त वाह गुणसूत्र डीएनए क्या है। ऑप्शन है ट्रांसपोजोन, ट्रांसपोसोम्स या ट्रांसपोजोन्स, दूसरा है इंट्रान, तीसरा है प्लाज्मिड, चौथा है एक्सॉन, तो आपका आंसर हो जाएगा प्लाज्मिड। जीन क्लोनिंग में संवाहक के रूप में प्लाज्मिड डीएनए का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला, टीआई प्लाज्मिड निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं को कायाकल्पित करता है, टीआई प्लाज्मिड निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं को कायाकल्पित करता है। ऑप्शन है जीवाणु का, विषाणु का, पौधा का या जंतुओं का। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह पौधों का कायाकल्पित करता है, पौधों की कोशिकाओं का कायाकल्पित करता है, यानी ट्रांसफर करता है। अगला क्वेश्चन है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, यानी पीसीआर इसको बोलते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किसमें उपयोगी है। ऑप्शन है प्रोटीन संश्लेषण में, अमीनो अम्ल संश्लेषण में, तीसरा है डीएनए संश्लेषण में और चौथा है डीएनए प्रवर्धन में। तो पीसीआर जो रिएक्शन है, वह डीएनए संवर्धन के लिए उपयोग किया जाता है, पीसीआर रिएक्शन यानी डीएनए संवर्धन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसमें थर्मल साइक्लर का प्रयोग होता है, आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कुकरबिटा के ट्रेंडिल्स तथा बोगैनविलिया के कांटे क्या हैं, कुकरबिटा के ट्रेंडिल्स तथा बोगैनविलिया के कांटे क्या हैं। ऑप्शन है समजातंग, अवशेषी अंग, असमजातंग या ई और बी दोनों। तो याद रहे कुकरबिटा के ट्रेंडिल्स तथा बोगैनविलिया के जो कांटे हैं, वह समजातंग है। ये क्या है, समजातंग है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है डार्विन के फिंच क्या दर्शाते हैं, ऑप्शन दिया प्राकृतिक चयन, समानांतर विकास, अनुरूपता या अनुकूली विकिरण। तो जो फिंच चिड़िया पर डार्विन ने जो अध्ययन किया था उन्हें बताया था कि जो फिंच है वह हमेशा अनुकूली विकिरण को दर्शाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, अनुकूली विकिरण। अगला है आर्कियोपटेरिक्स जीवाश्म पक्षी किसके बीच का योजक करी है,
या बारे में पूछता है योजक कड़ी कौन है, तो याद रहे आर्कियोपेटेरिक्स, तो किसके बीच का योजक कड़ी है? ऑप्शन है उभयचर तथा सरीसृप वर्ग, दूसरा सरीसृप तथा पंछी वर्ग, तीसरा उभयचर तथा पंछी वर्ग, और चौथा मत्स्य तथा उभयचर वर्ग। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह सरीसृप तथा पंछी वर्ग के बीच का योजक कड़ी है आर्कियोपेटेरिक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक द्विसंकर स्थिति कौन सी है? द्विसंकर स्थिति कौन सी है? तो ऑप्शन दिया है TTRR, तो यहां देख लीजिए द्विसंकर स्थिति दिया है, द्विसंकर स्थिति दिया गया है, तो जो द्विसंकर स्थिति होता है वह टी कैपिटल टी होना चाहिए और स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल आर, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है द्विसंकर स्थिति, यह है आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ठीक, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी सही आपका। अगला क्वेश्चन है, जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है पूरक जीन, विषम युग्मज, तीसरा है संपूरक जीन, और चौथा है युग्म विकल्पी। तो जीन का जो पूरक रूप है, जीन का पूरक रूप है उसको युग्म विकल्पी कहा जाता है, युग्म विकल्पी यानी अनेक विकल्प उसका हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ठीक, अगला, टैपेटल कोशिका क्या दर्शाता है? टैपेटल कोशिका क्या दर्शाता है? ऑप्शन है समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, एंडोमाइटोसिस विभाजन या एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणिता। तो जो टैपेटल कोशिका जो है, टैपेटल कोशिका है वह एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणिता दोनों दर्शाता है, ऑप्शन नंबर डी सही है आपका, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला, भ्रूणकोश किसमें बनता है? भ्रूणकोश किसमें बनता है? ऑप्शन दिया गया है गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणु धानी, मादा युग्म भेद या मादा युग्मक। तो जो भ्रूणकोश है, जो भ्रूणकोश है वह गुरु बीजाणु में बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, गुरु बीजाणु में भ्रूणकोश बनता है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, स्थानांतरण आरएनए पर इनमें से क्या पाया जाता है? स्थानांतरण आरएनए पर क्या पाया जाता है? ऑप्शन है आरंभ कूट, दूसरा है पतित कूट, तीसरा समापन कूट, चौथा है विरोधी कूट। तो जो स्थानांतरण ट्रांसपोज आरएनए है उस पर विरोधी कूट पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, विरोधी कूट पाया जाता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है? तो आप इसको याद कर रहे हैं, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है वह आरएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, आरएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऑपेरॉन का एक जीन जो रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है उसे क्या कहा जाता है? ऑपेरॉन का एक जीन जो रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है उसे क्या कहा जाता है? तो यहां ऑप्शन दिया ऑपरेटर, प्रोमोटर, रेगुलेटर या संरचनात्मक। तो ऑपेरॉन का एक जीन जो रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है उसको रेगुलेटर जीन कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, रेगुलेटर जीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टेटनस द्वारा उत्पन्न विष किसे प्रभावित करता है? टेटनस द्वारा उत्पन्न विष किसे प्रभावित करता है? ऑप्शन है जबड़े की हड्डियों को, दूसरा स्वैच्छिक मांसपेशियों को, तीसरा अनैच्छिक मांसपेशियों को, चौथा बी तथा सी दोनों। तो टेटनस का जो उत्पन्न विष है, टेटनस का विष है वह अनैच्छिक मांसपेशियों को प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन, एड्स विषाणु में क्या रहता है? एड्स विषाणु में क्या रहता है? ऑप्शन है एक कुंडलिन आरएनए, द्वि कुंडलिन आरएनए, एक कुंडलिन डीएनए या द्वि कुंडलिन डीएनए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक कुंडली आरएनए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, तंबाकू की तल किसके कारण होती है? तंबाकू की लत किसके कारण होती है, यानी किसके कारण लत लग जाता है? ऑप्शन है कैफीन, हिस्टामिन, कोकेन या निकोटीन के कारण। तो तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, इसी कारण व्यक्ति को लत लग जाता है, निकोटीन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही आपका। अगला, घरेलू कचरा किस प्रकार के प्रदूषण का गठन करता है? घरेलू कचरा किस प्रकार के प्रदूषण का गठन करता है? ऑप्शन है वायु प्रदूषण, बहिश्राव, तीसरा ऑप्शन है जैव निम्नीकरणीय प्रदूषण, चौथा है जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषण। तो जो घरेलू कचरा है वह हमेशा जैव निम्नीकरणीय प्रदूषण फैलाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक, अगला, निम्नलिखित में कौन जल प्रदूषण का समान संकेतक जीव है? कौन जल प्रदूषण का समान संकेतक जीव है? ऑप्शन है कॉलरा
भीमड़ियो, दूसरा ई कोली, तीसरा साल्मोनेला टाइफी, चौथा है एंट अमीबे हिस्टोलिटिका। तो जो जल प्रदूषण का कारण है, जल प्रदूषण का कारण है वह ई कोली है। ई कोली आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, ई कोली समान संकेतक जीव है ई कोली। अगला क्वेश्चन है बॉम्बे डक क्या है, बॉम्बे डक क्या है, बॉम्बे डक क्या है। ऑप्शन दिया है झींगा, मछली, जलीय पंछी या समुद्री घोंघा। तो बॉम्बे डक, बॉम्बे डक मछली का नाम है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन लाइसिन से प्रचुर शक्ति, रतन तथा प्रोटीन इनमें से किसकी किस्में हैं, चावल, गेहूं, कपास या मक्का। तो जो रतन, शक्ति, गंगा ये सब जो है मक्का का हाइब्रिड है, मक्का का हाइब्रिड है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, मक्का का हाइब्रिड है। ठीक है, अगला बैल का वीर्य किसमें संचित होता है, बैल का वीर्य किसमें संचित होता है। ऑप्शन दिया तरल नाइट्रोजन, तरल कार्बन डाइऑक्साइड, बर्ड या इनमें से कोई नहीं। तो जो बैल का वीर्य है, बैल का वीर्य है वह तरल नाइट्रोजन में संचित रखा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, अगला रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है, रेशम का जो धागा होता है उसमें कौन सा प्रोटीन होता है। ऑप्शन है किराइटिन, अल्ब्यूमिन, फिम्रोइन या बी तथा सी दोनों। तो रेशम का जो धागा होता है उसमें फिब्रोइन प्रोटीन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, फिब्रोइन प्रोटीन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही आपका। ठीक है, फिब्रोइन। अगला क्वेश्चन है लीडिंग कोशिकाएं, लीडिंग कोशिकाएं क्या स्रावित करती है, लीडिंग कोशिकाएं क्या स्रावित करती है। ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन या ओए एस्ट्रोजेंस या कॉर्टिकोटेरोन्स। तो लीडिंग कोशिकाएं जो है, लीडिंग कोशिकाएं हैं वह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावित करती है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करती है जो नर का एक हार्मोन है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला मुख्य गर्भ निरोधक निम्न में से किस संयोजन का बना होता है, मुख्य जो गर्भ निरोधक गोली मुंह से लिया जाता है वह किस संयोजन का बना होता है। ऑप्शन दिया है एंड्रोजन तथा वृद्धि हार्मोन, दूसरा है प्रोजेस्टेरोन तथा टेस्टोस्टेरोन, तीसरा है एस्ट्रोजेन तथा टेस्टोस्टेरोन और चौथा है एस्ट्रोजेन या प्रोजेस्टेरोन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंड्रोजेन तथा प्रोजेस्टेरोन का बना होता है, कौन मुख्य से लेने वाला गर्भ निरोधक गोली। अगला क्वेश्चन है डीएनए प्रतिकरण के दौरान लैगिंग स्ट्रैंड का निर्माण कैसे होता है, डीएनए प्रतिकरण के दौरान लैगिंग स्ट्रैंड का निर्माण कैसे होता है। ऑप्शन है लगातार, असंतत, छोटे खंडों में या दोनों। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असंतत रूप से होता है डीएनए प्रतिकरण के दौरान लैगिंग स्ट्रैंड का निर्माण, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन कब होता है, फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन कब होता है। ऑप्शन है जब बेस का विलोपन या निवेशन होता है, दूसरा जब बेस का निवेशन होता है, तीसरा जब बेस का विलोपन होता है, चौथा जब फॉस्फेट जुड़ता है। तो फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन, फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन हमेशा तब होगा जब बेस का विलोपन या निवेशन होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला बोवल परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी, बोवल परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी। ऑप्शन है क्रिक या दूसरा ऑप्शन दिया है नीरेनबर्ग, तीसरा हॉले, चौथा है खुराना। तो बोवल परिकल्पना एक सिद्धांत है, एक सिद्धांत है जो क्रिक के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अगला आरबीसी के पतन का कारण कौन है, आरबीसी के पतन का कारण कौन है। ऑप्शन है आर्सेनिक यौगिक, पहला ऑप्शन दिया है आर्सेनिक यौगिक, दूसरा हाइड्रोकार्बन्स, तीसरा अमोनिया, चौथा सल्फर यौगिक। तो आरबीसी के टूटने का, पतन का मुख्य कारण है आर्सेनिक यौगिक, क्योंकि इसमें टॉक्सिन होता है, पॉइजन होता है। जब यौगिक आपके शरीर में जाता है तो क्या करता है, आरबीसी को तोड़ता है, उसे नष्ट करने लगता है टॉक्सिन की वजह से। अगला है जब प्रस्फुटन, जल प्रस्फुटन किससे बनता है, जल प्रस्फुटन किससे बनता है। ऑप्शन है हाइड्रिला से, जलकुंभी से, ट्रापा से या प्लेटोनी
शैवाल से। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लैंकटोनिक शैवाल से जल प्रस्फुटन होता है, प्लैंकटोनिक शैवाल ऑप्शन नंबर डी सही है। मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है, मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है, ऑप्शन ए गलन, अपक्षय, मृदा जनन या ए बी और सी दोनों। तो मिट्टी का जो निर्माण है, मिट्टी का जो निर्माण है वह अपक्षय से होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, अपक्षय से मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है जल उद्भिद की एक विशेषता क्या है, जल उद्भिद जो पौधा होता है उसका विशेषता क्या है, ऑप्शन है तैरते हुए पत्ते, पहला ऑप्शन दिया तैरते हुए पत्ते, इरन काइमा, डूबे हुए पत्ते या अच्छी तरह से विकसित फ्लोएम। तो जो जलभूत पौधे हैं उनकी मुख्य विशेषता है, जलभूत पौधे की मुख्य विशेषता है कि वे इरन काइमा होते हैं, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर इरन काइमा होते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला, फफूंद हाइफी अंतरकोशीय किस में रहते हैं, फफूंद हाइफी अंतरकोशीय किस में रहते हैं, ऑप्शन है एंटो माइक्रोराइजा में, दूसरा है वी ए एम में, तीसरा है इंडो माइक्रोराइजा में और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो फफूंद हाइफी अंतरकोशिकीय, फफूंद हाइफी अंतरकोशिकीय जो है वे एंटो माइक्रोराइजा में होते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, एंटो माइक्रोराइजा में रहते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला, पीलियोट्रॉपी जीन कैसा लक्षण प्रारूप दर्शाता है, पीलियोट्रॉपी जीन कैसा लक्षण प्रारूपी दर्शाता है, ऑप्शन है विभिन्न जीन प्रारूपी, दूसरा है विभिन्न लक्षण प्रारूपी, तीसरा विभिन्न जीन प्रारूप, एक जीन प्रारूप और चौथा है एक लक्षण प्रारूप। तो यहाँ देखिए दिया है पीलियोट्रॉपी जीन, तो जो पीलियोट्रॉपी जीन है उनमें हमेशा विभिन्न प्रकार का लक्षण दिखाई देता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, विभिन्न लक्षण प्रारूपी को दर्शाता है पीलियोट्रॉपी जीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में दो जीनों के लिए विषम युग्मजी जीव कैसा होगा, तो देख लीजिए यहां प्रसंकरण को दिखाया गया है, हाइब्रिडाइजेशन को दिखाया गया है, अगर विषम युग्मजी है, विषम युग्मजी अगर दिया गया है तो उसमें क्या होगा, सब विषम होगा। तो देख लीजिए यहां आर आर वाई वाई क्या विषम दिखाया गया है, ऑप्शन डी आपका सही है, इसमें विषम युग्मजी नहीं दिखाया गया, लेकिन यहां दोनों वाई के लिए विषम है और आर के लिए भी विषम है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, विषम युग्मजी को दिखाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है, भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन है, ऑप्शन है नदी डॉल्फिन, दूसरा है गैंगेटिक शार्क, तीसरा दरियाई घोड़ा, चौथा ब्लू हवेल। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जो पशु है, भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है वह नदी डॉल्फिन है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, नदी डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय पशु। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है इन सिटू संरक्षण के अंतर्गत कौन सा शामिल है, तो देखिए दो प्रकार का संरक्षण होता है, एक इन सिटू, इन सिटू कंजर्वेशन होता है, एक होता है ईएक्स सिटू कंजर्वेशन, ईएक्स सिटू कंजर्वेशन। ठीक है, तो इन सिटू का मतलब है जब जीवों को अपने ही स्थान पर संरक्षित किया जाए तो इन सिटू कहेंगे, और जब जीवों को उसके वास स्थान से हटाकर कहीं दूसरे स्थान पर ले जाकर संरक्षित करें तो उसको ईएक्स सिटू कंजर्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पूछ रहा है इन सिटू, यहां पूछ रहा है इन सिटू, तो याद रहे इन सिटू कंजर्वेशन जो है हमेशा वनस्पति या प्राणी उद्यान में होता है या उसी उद्देश्य से बनाया जाता है, क्योंकि जीव को अपने ही आवास स्थान पर संरक्षित किया जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अगला है आणविक कैंची जो डीएनए को विशिष्ट स्थल पर काटता है वह क्या है, यानी वह कौन सा है जो डीएनए को विशिष्ट स्थल पर काटता है, ऑप्शन है पैक्टिनेज एंजाइम, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस, दूसरा है पॉलीमरेज एंजाइम, तीसरा है लाइगेज। तो वह प्रतिबंधन एंजाइम है जो डीएनए को विशेष स्थान पर काटता है, और याद रहे प्रतिबंधन एंजाइम ही जोड़ता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, 60 का बी सही है, प्रतिबंधन एंजाइम अर्थात एंडोन्यूक्लियस। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन एसीआईडी के लिए जीन थेरेपी में संवाहक के रूप में प्रयुक्त होता है, निम्न कौन एसीआईडी के लिए जीन थेरेपी में संवाहक के रूप में प्रयुक्त होता है, ऑप्शन है रिट्रो विषाणु, दूसरा रेट्रो विषाणु, तीसरा ऑर्गो विषाणु, चौथा है परभो विषाणु। तो जो एसीआईडी के जीन थेरेपी के लिए संवाहक रूप में उपयोग किया जाता है वह है रिट्रो विषाणु, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, रिट्रो विषाणु ऑप्शन नंबर ए सही आपका। अगला, कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग है,
अवशेषी अंग कौन सा है, एंड जो पहले थे कार्यरत लेकिन आज बिना मतलब के हैं वह अवशेषी अंग कहलाते हैं। ऑप्शन दिया है निकी टैटिन झिल्ली, पूछ कशेरुकी, तीसरा अकल चह और चौथा इनमें से सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, एंड सब बेकार के अंग हैं, इसका कोई उपयोग नहीं है। ठीक है, अगला ऑप्शन है बीटी कपास निम्न से किसका प्रतिरोध करता है, बीटी कपास किसका प्रतिरोध करता है। ऑप्शन है कीटों से बीमारी का, विषाणु रोगजनक को, या सूत्रकृमि परजीवी को, या फफूंद रोगजनक को। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कीटों से बीमारी का, यानी बीटी कपास आप प्रसिद्ध है, काफी प्रसिद्ध है। बीटी एक प्रकार का क्या है, जीवाणु है, जिसका नाम है बैसिलस थुरिंजियसिस, या विष का स्राव करता है। अगला क्वेश्चन है पीसीआर में प्रयुक्त टैक पॉलीमरेज का स्रोत कौन सा है, टैक पॉलीमरेज का स्रोत कौन सा है। ऑप्शन है थर्मोफिलिक कवक, दूसरा है थर्मोफिलिक जीवाणु, मीसोफिलिक कवक, या हैलोफिलिक जीवाणु। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थर्मोफिलिक जीवाणु, आपका बी ऑप्शन सही है। अगला, अनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा इंसुलिन के उत्पादन में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, अनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा इंसुलिन के उत्पादन में किसका उपयोग किया जाता है। तो आप याद कर जाए कि अनुवांशिक रूपांतरण यानी इंसुलिन का उत्पादन हमेशा ई कोली जीवाणु के द्वारा किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, इंसुलिन, और याद रहे जो इंसुलिन है, इसका नाम अब बदलकर ह्यूमलिन कर दिया गया है, जिसका उपयोग डायबिटीज अर्थात शुगर रोगी के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है योग्यतम की उत्तरजीविता का विचार किसके द्वारा प्रयुक्त किया गया था। ऑप्शन चार्ल्स डार्विन, ह्यूगो डे ग्रीस, हर्बर्ट स्पिनर, या लामार्क। तो योग्यतम की उत्तरजीविता एक सिद्धांत है, इसका विकास चार्ल्स डार्विन ने किया था, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उपयोग हरित खाद या जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है, ऑप्शन है चावल, मक्का, जई, या ढैंचा। तो देखिएगा ढैंचा का उपयोग किया जाता है हरित खाद या जैव उर्वरक में, इसके लिए क्या किया ढैंचा बो दिया जाता है, जब वह एक बीता के लगभग आसपास हो जाता है, 8 से 9 इंच का हो जाता है, तो उसको ऐसे ही खेत में जुताई कर दी जाती है, जोत दिया जाता है, तो वो अच्छे उर्वरक का कार्य करता है। तो आपका ऑप्शन में डी सही है, ढैंचा। निम्न में से कौन सा एक जीवाणुविक कीटनाशक है, ऑप्शन है बैसिलस सर्टिलिस, दूसरा बैसिलस पॉलीमिक्सा, तीसरा बैसिलस थुरिंजियसिस, और चौथा बैसिलस ब्रेम्भिस। तो याद दिया जीवाणुविक कीटनाशक, तो अब बीटी है, वो कौन है, बीटी है जीवाणुविक कीटनाशक बैसिलस थुरिंजियसिस, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, बीटी, बीटी का पास इसी से विकसित हुआ। अगला, निम्नलिखित में से कौन होमोसेपियंस का प्रत्यक्ष पूर्वज है, कौन है। ऑप्शन है रामापिथिकस, होमो इरेक्ट्स, या ऑस्ट्रेलियोपिथिकस, या होमो नियरडर्थल लेंसिस। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, होमो इरेक्ट्स जो है यही होमोसेपियंस का प्रत्यक्ष पूर्वज है, होमो इरेक्ट्स, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है वाहित मलजल के प्राथमिक उपचार में निम्नलिखित में से कौन सा कदम शामिल है, ऑप्शन है वायवीय जीवाणुविक गतिविधि, दूसरा निस्यंदन तथा अवसादन, तीसरा है अवायवीय जीवाणुविक गतिविधि, चौथा है अमल पाचन। तो वाहित मल जल का जो प्राथमिक उपचार किया जाता है उसमें सबसे पहले निस्यंदन या अवसादन की क्रिया की जाती है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, निस्यंदन या अवसादन की क्रिया। तो चलिए गाइस, यहाँ आपका सतर्क ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बायोलॉजी का जो मॉडल सेट का था इंटरनेट पर जारी, वो खत्म हो जाते हैं। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में अगले मॉडल सेट के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसके माध्यम से मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन का उत्तर और लॉन्ग क्वेश्चन का भी उत्तर बताऊंगा 1 से 2 दिन के अंदर। चलिए आज मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।